नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी के अगर 9 और 10 दिसंबर की बात करें तो आप केबीसी के मंच पे हॉट सीट पे विजय पाल सिंह राठौर को बैठे हुए देखे होंगे। अगर 9 दिसंबर को आप गेम देखे होंगे तो वहां पे विजय पाल सिंह 25 लाख रुपया जीत चुके थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी का जब समय सीमा वहां पे समाप्त हो जाता है तो एक हॉर्न बजता है और उसको लेकर गेम को वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। ठीक 9 दिसंबर को यही हुआ, जब विजय पाल सिंह वहाँ पर 25 लाख रुपया जीत चुके थे तो उसके बाद वहाँ पर हॉर्न बजा और गेम को वहीं पर स्थगित कर दिया गया। लेकिन 10 दिसंबर का जब गेम स्टार्ट हुआ तो उनसे अगला सवाल 25 लाख का पूछा गया। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि 25 लाख का जो जवाब दिए उसके बाद इनके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ था, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन था। एक तो एक्सपर्ट की राय थी और दूसरा जो है वीडियो कॉलिंग का था। ये 2 लाइफलाइन बचाए हुए थे और 50 लाख का सवाल इनसे 10 दिसंबर को पूछा जाना था। जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, 10 दिसंबर का जब गेम स्टार्ट हुआ तो इनके सामने जो 50 लाख का सवाल पूछा गया वो सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब उनको नहीं मालूम था, इसलिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद जो ये 5 वीडियो सेलेक्ट का नाम वहाँ पर नॉमिनेट किए हुए थे उसमें एक के पास कॉल किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास उस सवाल का सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए दूसरा लाइफलाइन जो एक्सपर्ट का लाइफलाइन होता है वो भी इनका 50 लाख पे ही इस्तेमाल करना पड़ा। अब दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट की राय से ये 50 लाख वहाँ पे जीत चुके और जैसे ही 50 लाख जीतते हैं, जैसा कि हम आपको बता दें स्क्रीन पे आप देखिए, एक्सपर्ट के रूप में आप देख सकते हैं ये विक्रांत सिंह है जो कि आज तक पे स्पोर्ट्स का न्यूज ज़्यादा कवर करते हैं। और जब ये 50 लाख रुपया जीत जाते हैं तो उनके बाद विक्रांत सिंह के तरफ से ये भी बताया जाता है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से 2 सवाल पीछे हैं और अगर 7 करोड़ की बात करें तो आप 3 सवाल पीछे हैं, तो हमारी दुआएं हैं कि आप यहाँ से 7 करोड़ रुपया जीत कर जाइए। इसी के बाद तुरंत क्या करते हैं, विजय पाल सिंह अपने पॉकेट से कियारा आडवाणी का फोटो निकालते हैं और फोटो निकालने के बाद अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि जब यहां तक आ गए हैं तो जब मेरी लक्की चार मेरे पॉकेट में है तो 7 करोड़ भी पार हो ही जाएंगे। ये वहां पे विजय पाल सिंह कहते हैं। हालांकि उससे पहले की अगर गेम की बात करें, चाहे 9 दिसंबर की बात करें या फिर 10 दिसंबर की बात करें, तो इनका जो गेम खेलने का तरीका था या फिर इनका जो टैलेंट है या फिर जनरल नॉलेज का इनके पास जो भंडार है वो काफ़ी ही बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज है इनके पास। यही कारण है कि 3,20,000 बिना किसी लाइफ लाइन के ये मदद से जीते थे। 9 दिसंबर को जब ये गेम स्टार्ट किए तो वहाँ पर 3,20,000 तक बिना किसी लाइफ लाइन की मदद से पहुँचे थे। हालांकि गेम को देखकर या फिर ऐसे प्रतिभागी को केबीसी के मंच पर देखकर कोई भी ऑडियंस साफ साफ यहाँ पे समझ सकता है कि आखिर इस प्रतिभागी में टैलेंट कितना है। बिल्कुल वहाँ पे कहना ये अनुचित नहीं होगा, बिल्कुल सरासर उचित होगा कि ये जो विजय पाल सिंह राठौर थे ये सामान्य ज्ञान के काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और यही कारण है कि 50 लाख तक भी पहुँचे तो 2 लाइफलाइन वहाँ पर अपना बचाए हुए थे। अब देखिए 50 लाख जीतने के बाद जैसा कि वो बोले कि लक्की चार्म है तो 7 करोड़ भी पार कर ही जाएंगे, लेकिन उनके बाद ही गेम जो है वहाँ पे गड़बड़ हो गया। जिस तरीके से ये जीतते जा रहे थे वही गेम 50 लाख पे ही 2 लाइफलाइन अपना ख़त्म कर लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट सवाल उनके सामने 1 करोड़ और उसके आगे का 7 करोड़, 2 सवाल बचा हुआ था। लेकिन ये पहले ही कह चुके थे कि मेरे लक्की चार मेरे पॉकेट में है तो ज़रूर 7 करोड़ पार कर जाएंगे। लेकिन शायद अगर बेहतर होता, हालाँकि ये उनकी ओपिनियन थी, लेकिन अगर एक दर्शक के तौर पर आप वहाँ पर देखेंगे तो कियारा आडवाणी एक अभिनेत्री है। अगर ये वहाँ पे भगवान का नाम लिए होते या फिर उस तरीके से एक भगवान को बीच में लाते और बोलते कि यहाँ तक अगर भगवान लेकर आए हैं तो 7 करोड़ भी पार करा ही देंगे, तो ये थोड़ा अलग हो जाता। लेकिन जिस तरीके से वो कियारा आडवाणी को पसंद करते हैं और उनका फोटो दिखाकर वो कहते हैं कि अपने लक्की चार्म की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं तो 7 करोड़ पार कर ही जाएंगे, बस उनको अपने पॉकेट से वहाँ पे फ़ोटो निकालना था। और गेम जो पहले से जिस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से खेलते आ रहे थे, पूरा का पूरा जो गेम का सिलसिला था वहीं पर बिखर गया। बिखर गया हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि उनके जो टोटल लाइफलाइन था वो टोटल लाइफलाइन 50 लाख वाले पे ही ख़त्म हो चुका था। अब अगला सवाल उनसे 1 करोड़ का पूछा गया, जिस सवाल का सही जवाब उनके पास नहीं मालूम था। इसलिए जवाब नहीं मालूम होने के कारण उन्होंने बड़े ही सोचकर समझकर और उसके बाद जो है उस गेम को वहीं पे क्विट किया। और गेम को क्विट करने का मतलब आप समझ सकते हैं, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए जो 1 करोड़ का सवाल उनसे कौन सा पूछा गया था वो सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद
उसका सही जवाब कौन सा है वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आखिरी सवाल उनसे 1 करोड़ का पूछा गया था, जिसका सही जवाब नहीं होने के कारण जो है विजय पाल सिंह केबीसी के मंच पे 10 दिसंबर को गेम को क्विट कर दिए, और क्विट करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो केबीसी के मंच से 50 लाख जीत कर गए।